तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। देखिए सुबह सुबह है, गुड मॉर्निंग भी बोल देना चाहता हूँ। देखिए जितने भी लोग JSSC का फॉर्म भर रहे थे CGL में, ठीक है, या फिर भरना छोड़ दिए हैं, तो बता दो कि उनके लिए एक क्या बोल सकते हैं, अच्छी बात है, खुशखबरी है कि आपका जो फॉर्म भरने का डेट है बढ़ा दिया गया है। देखिए कल रात 18 तारीख को शाम के मतलब आ गया नोटिस, शाम के 7 बजे तक, ठीक है, 5 बजे 6-7 बजे तक आ जाता है नोटिस इनका। जब भी डालना होता है तो शाम के ही टाइम आता है JSSC का नोटिस। अब नोटिस में बोला गया है कि जो फॉर्म भरने की डेट है ना, वह एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 20/6 यानी कि 20 जून 2023 से दिनांक 19/7/2023 यानी कि 19 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। उक्त के क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आ रही तकनीकी समस्याओं, जैसे कि पेमेंट करने में बहुत इशू हो रहा था, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत इशू हो रहा था, ठीक है, तो ये सभी तकनीकी समस्याओं को देखते हुए दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत विस्तारित की जाती है। अब ये जो समस्याएँ आ रही थी इनके लिए ऑनलाइन की डेट बढ़ाई गई है। मुझे मालूम था यार ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि इतना सारा फॉर्म नहीं भरवा रहा था तो कुछ ना कुछ तो करना होता है इनको। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट अब लास्ट डेट है 3 अगस्त तक, 3 अगस्त तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। वहीं फी पेमेंट की बात करें तो 5 तारीख तक आप फी पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, और फोटो सिग्नेचर की बात करें तो 7 अगस्त तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। फिर बोला गया है कि समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो अगर आप उसे सुधारना चाहते हैं तो 8 तारीख से 9 तारीख यानी कि 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में सुधार सकते हैं। ये सारी डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त जो फॉर्म नहीं भर पाया हो, अगर उन्हें नहीं मालूम है तो भेज दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ देखिए, मैं कोशिश करता हूँ यार कि बाकी जितना भी इसका सिलेबस है आपका CGL का, ठीक है, CGL का पेपर 1 और पेपर 3 का सिलेबस एक तरफ रहेगा, और पेपर 2 जो कि लैंग्वेज का पेपर रहेगा उसमें मैंने क्वाठा का सिलेबस बता दिया है। अगर आप क्वाठा रखने वाले हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है, और कोई दूसरा है तो फिर भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी देख सकते हैं, सिलेबस भी देख लीजिए। एग्ज़ाम देना है तो मतलब कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में, जो आदमी एक बार धोखा दे देता है तो उसको कैसे विश्वास करेंगे, वही बात है कि 15 में भी रिजेक्ट किया है, 21 में भी रिजेक्ट किया है, 22 में भी रिजेक्ट किया है, अब भी रिजेक्ट कर दे या न करे कोई गारंटी क्या है इस सरकार की। तो फिर भी भर दीजिए फॉर्म और जैसा है अच्छे से रहिए, बट पूरी तरह से भरोसा मत कीजिएगा क्योंकि रिजेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। इसका नोटिस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।